बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। होपफुली सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अच्छा जी, हमारा 14 वीडियो लेक्चर है आज। सेवंथ हमारे पास क्लास है, साइंस उनका सब्जेक्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर जो है 7 हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, साउंड एंड हेयरिंग। आज के जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें पिच के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्या होती है और इंफ्रासाउंड क्या होता है, ठीक है, इन सब को जो हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टडी करते हैं, फिर मैं आपको इसमें से क्वेश्चन बताती हूँ कि हमें क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। अच्छा जी, पिच एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द पिच ऑफ अ साउंड मीन्स हाउ हाई और लो द साउंड इज़, ठीक है, यानी पिच जो होती है किसी भी साउंड की, वो हमें बताती है कि आवाज़ जो है हमारे पास, यानी साउंड जो है वो कितना हाई है और कितना लो है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ रैपिडली द साउंड प्रोड्यूसर वाइब्रेट्स, यानी उन्होंने कहा कि इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो साउंड प्रोड्यूसर है, ठीक है, जैसे ऊपर सिंगर्स दिखाए हुए हैं कि जो आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं कितनी तेज़ी के साथ, ठीक है, जितना अगर वो हाई तेज़ी के साथ ऊंची आवाज़ में होगी, ठीक है, उनकी पिच हाई होगी। अगर वो स्लो वाइब्रेट करेंगे, यानी स्लो सिंग करेंगे, ठीक है, सिंग, तो उनकी जो है वो पिच जो है वो लो होगी, ठीक है। पिच इज़ मेजर्ड बाय फ्रीक्वेंसी, पिच जो होती है उनके, हम इसको कैसे मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी से इसको मेजर करते हैं आप पिच, ठीक है, ये हमारे पास पिच होगी। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज़ द नंबर ऑफ साउंड वाइब्रेशन सेट अप इन 1 सेकेंड, यानी किसी भी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साउंड वाइब्रेशंस, यानी 1 सेकेंड के अंदर जितनी दफ़ा वाइब्रेशन हुई है साउंड की, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स, ठीक है, एच जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हर्ट्स के अंदर इसका यूनिट है, मेजर किया जाता है। व्हेन यू प्लक द टॉप स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, ठीक है, अगर आप जो है टॉप स्ट्रिंग गिटार को यानी टच करें, इट वाइब्रेट 660 टाइम्स ए सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर वो 660 दफ़ा वाइब्रेट करेगा। द फ्रिक्वेंसी इज 660 हर्ट्ज़, ठीक है, यानी 660 हर्ट्ज़ उसकी भी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। वैन यू प्लक द बॉटम स्ट्रिंग, जब बॉटम स्ट्रिंग को टच करेंगे, इट वाइब्रेट्स ओनली 165 टाइम्स अ सेकेंड, वो एक उसकी फ्रिक्वेंसी 165 हो जाएगी। फिर द हायर द फ्रिक्वेंसी फॉर साइड द बिगर इज़ द हायर इज़ द पिच, जितनी फ्रिक्वेंसी साउंड की ज़्यादा होगी उसकी पिच की क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी पिच जो है वो हमारे पास हाई होगी, ठीक है। द ह्यूमन ईयर इज़ एबल टू डिटेक्ट साउंड्स इन द रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है, यानी इंसानी जो कान है उसकी रेंज इतनी है कि वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो साउंड है उसको सुन सकता है। साउंड्स अबव 20 हर्ट्ज़ आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, ठीक है, जो साउंड होती है 20,000 से ज़्यादा होती है उसको अल्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर ब्रेकिंग डाउन किडनी स्टोन्स एंड गॉल स्टोन्स विदाउट द नीड फॉर सर्जरी, यानी अल्ट्रासाउंड जो होता है इसमें हॉस्पिटल के अंदर इसको टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है, किडनी यानी गुर्दे के अंदर जो पथरियाँ होती हैं, या हमारे ब्लैडर में, ठीक है, गॉल ब्लैडर जिसको मसाना बोलते हैं, बगैर सर्जरी के, यानी ये रेडिएशन के जरिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। शिप्स यूज़ अल्ट्रासाउंड इन इको साउंडर्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ वाटर, ठीक है, शिप्स जो होते हैं यानी मैं जहाज, ठीक है, वो यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड इको को साउंडर्स टू मेजर द डेप्थ, यानी पानी की गहराई को नापने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स सच एज पैट्स एंड डॉग्स कैन डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड, ठीक है, चमगादड़ों डॉग वगैरह इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। साउंड बिलो 20 हर्ट्ज़ आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड, जो 20,000 से अबव होगी वो अल्ट्रा होगी, जो 20 हर्ट्ज़ से कम होगी वो इंफ्रासाउंड होगी। इंफ्रासाउंड इज़ यूज फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्विक्स, ठीक है, अर्थक्विक्स बोलते हैं जलजिले वगैरह को, एंड स्टडिंग रॉक फॉर्मेशन, और यानी रॉक फॉर्मेशन जब चट्टानें बनती हैं उसको स्टडी करने भी इस्तेमाल होती हैं। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय सम एनिमल्स सच एज व्हेल, एलिफेंट्स एंड राइनोसोरसेस, ठीक है, इसके जरिए जो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड, ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 है व्हाट इज़ मेंट बाय पिच एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि पिच क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इसका जो है हमारे पास पिच क्या होती है, द पिच ऑफ अ साउंड मीन्स हाउ हाई और लो द साउंड इज, इट डिपेंड्स ऑन हाउ रैपिडली द साउंड प्रोड्यूसर वाइब्रेट्स, ठीक है, ये हमारे पास पिच का आंसर है। उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज द नंबर ऑफ साउंड वाइब्रेशन सेट अप इन 1 सेकेंड, इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़, ठीक है,
यानी एक मिनट के अंदर जितनी वाइब्रेशन होगी वो हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, उसको हर्ट्स में जो है हम मेजर करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। साउंड्स अबव 20,000 हर्ट्स अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और जो बिलो 20 हर्ट्स होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है आपने राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, जो आपकी होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर भी बता दिया, ये आपने राइट भी करना और लर्न भी। ठीक है, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।